हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसी भी क्रूड ड्रग के टोटल एश वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो उसके लिए हमको चाहिए होता है हीट रेजिस्टेंस ग्लोव, सिलिका क्रूसिबल, मफल फर्नेस, डेसिकेटर एंड डिजिटल बैलेंस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एम्प्टी सिलिका क्रूसिबल लेंगे और इस एम्प्टी सिलिका क्रूसिबल को हम मफल फर्नेस में ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले हम मफल फर्नेस को ऑन करने के बाद उसको हम डोर को ओपन करेंगे और सिलिका क्रूसिबल को हम मफल फर्नेस के चैम्बर में रख देंगे। और उसके बाद मफल फर्नेस के डोर को क्लोज़ करने के बाद हम टेम्परेचर सेटिंग नॉब से टेम्परेचर को सेट करेंगे और उसके बाद 15 मिनट्स के लिए लगभग हम सिलिका क्रूसिबल को इग्नाइट होने के लिए रख देंगे। और लगभग 15 मिनट्स के बाद हम वापस से टेम्परेचर सेटिंग नॉब को जीरो पे लाएंगे और जो इग्नाइटेड सिलिका क्रूसिबल है इसको हम मफल फर्नेस के चैम्बर से रिमूव कर लेंगे टोंग की मदद से ग्लव्स पहन के। और इस एम्प्टी सिलिका क्रूसिबल जिसको हमने इग्नाइट किया है उसको हम रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए इसको डेसिकेटर में रख देंगे। और इसको डेसिकेटर में लगभग 15 टू 20 मिनट्स के लिए रखने के बाद इस सिलिका क्रूसिबल को वापस से हम डेसिकेटर से रिमूव करेंगे टोंग की मदद से और इस एम्प्टी सिलिका क्रूसिबल को हम वे करेंगे। वे करने के लिए हमने यहाँ पे वेइंग बैलेंस में लिया है और वेइंग बैलेंस में इस एम्प्टी सिलिका क्रूसिबल को वे करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एम्प्टी सिलिका क्रूसिबल का जो वेट आया है वो है 35.93 ग्राम। तो इसको हम रिकॉर्ड शीट में इसको रिकॉर्ड कर लेंगे एज द वेट ऑफ एम्प्टी सिलिका क्रूसिबल इज़ 35.93 ग्राम। इसके बाद हम टेयर कर लेंगे और टेयर करने के बाद इस एम्प्टी सिलिका क्रूसिबल में हम ऐड करेंगे सैम्पल पाउडर, मीन्स क्रूड ड्रग का जो सैम्पल है जिसके हमको टोटल एश वैल्यू को डिटरमाइन करना है। तो उसको हम स्पैचुला की मदद से क्रूड ड्रग को ऐड करते जाएंगे। हमको यहाँ पे क्रूड ड्रग सैम्पल जो लिए हैं उसको हमको 2 ग्राम वे करना होता है। किसी भी पाउडर क्रूड ड्रग के एश वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है उसके क्वालिटी और प्यूरिटी को चेक करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये जो पाउडर क्रूड ड्रग जो लिए हैं इसको हमने 2 ग्राम वे कर लिया है सिलिका क्रूसिबल में। और इसके बाद हम इसको रिकॉर्ड करेंगे एज अ वेट ऑफ पाउडर क्रूड ड्रग टेकन इक्वल्स टू 2 ग्राम। और उसके बाद हम वेइंग बैलेंस को ऑफ करेंगे और उसके बाद इस सिलिका क्रूसिबल जिसमें हमने क्रूड ड्रग सैंपल को वे किया था और इस सिलिका क्रूसिबल में जो क्रूड ड्रग है उसको हम स्पैचुला की मदद से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और इस पाउडर क्रूड ड्रग को स्पैचुला की मदद से अच्छे से स्प्रेड करने के बाद अब हम इसको मफल फर्नेस के चैम्बर में ट्रांसफ़र करेंगे। सिलिका क्रूसिबल जिसमें हमने पाउडर ड्रग लिया था उसको हम मफल फर्नेस के चैम्बर में रखने के बाद अब मफल फर्नेस के चैम्बर को क्लोज करेंगे, मीन्स डोर को क्लोज करने के बाद और टेम्परेचर सेटिंग नॉब से हम टेम्परेचर को सेट करेंगे लगभग 450 टू 600 डिग्री सेल्सियस में ताकि जो सिलिका क्रूसिबल में जो क्रूड ड्रग रखा हुआ है वो कम्प्लीटली बर्न हो जाए वाइट एश में या नियरली वाइट। और उसके बाद हम टेम्परेचर सेटिंग नॉब को वापस से जीरो पे लाने के बाद हम इस सिलिका क्रूसिबल को रिमूव कर लेंगे मफल फर्नेस के चैम्बर से टोंग की मदद से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रूड ड्रग जो है कम्प्लीटली बर्न होके ऐश में कन्वर्ट हो गया है। और उसके बाद हम इस सिलिका क्रूसिबल को ठंडा होने के लिए इसको डेसिकेटर में रख देंगे। इस सिलिका क्रूसिबल जिसमें कि ऐश है इसको रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के बाद इसको डेसिकेटर से रिमूव करेंगे और उसको वे करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सिलिका क्रूसिबल जिसमें ऐश है उसका वेट आया है 36.08 ग्राम। तो हम यहाँ पे इसको रिकॉर्ड शीट में रिकॉर्ड करेंगे एज अ वेट ऑफ सिलिका क्रूसिबल विथ ऐश इज 36.08 ग्राम। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे वेट ऑफ ऐश इक्वल्स टू वेट ऑफ सिलिका क्रूसिबल विथ ऐश माइनस वेट ऑफ एम्प्टी सिलिका क्रूसिबल। मतलब कि ऐश के वेट को निकालने के लिए हमको एम्प्टी सिलिका क्रूसिबल के वेट को माइनस करना है। तो यहाँ पे जो वेट आया है वो है 0.15 ग्राम।
तो जो ऐश वैल्यू आई है, मैं 2 ग्राम की क्रूड ड्रग को इंसिनरेट करने के बाद जो ऐश ऑप्टेन हुआ है वो है 0.15 ग्राम। तो परसेंटेज ऐश वैल्यू के लिए हम इसको 100 के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो परसेंटेज ऐश वैल्यू आया है 7.5%। तो हमारे दिए गए जो सैंपल में जो ऐश प्रेजेंट है वो है 7.5%। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल सोल्यूशन। थैंक यू।